हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले दो और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हमने अदालतगंज का जो तालाब बन रहा है पटना में, उसमें क्या काम हो गया है और क्या कुछ अभी होना बाकी है उसका अपडेट देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने शूट किया था ये लॉकडाउन से पहले शूट किया था, और ये जो वीडियो है यानी अदालतगंज तालाब का अपडेट जो है वो तीन पार्ट में होने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात की है और तालाब के बारे में दिखलाया है कि कितना काम अभी हो गया है और कितना काम बाकी है। पार्ट टू जो वीडियो आएगा उसमें हमने वहाँ के केयर टेकर सुभाष जी से बात किया है और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज रहेगी और क्या क्या काम अभी बाकी है, कितना दिनों में काम कम्प्लीट हो जाएगा और क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया उसके विषय में बात किया है। और पार्ट थर्ड जो वीडियो है वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे थे, वहाँ पर जो इंजीनियर काम कर रहे थे, उनसे मैंने एक डेमो वीडियो लिया है जो कि लेजर लाइट शो का है, और उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लेजर लाइट शो होने वाला है वो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अदालतगंज का जो तालाब बन रहा है उसका अपडेट देने के लिए, और इस रास्ते से मैं अंदर चलता हूँ, क्या कुछ अपडेट है और कितना दिन में ये बनकर तैयार होगा उसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सामने की तरफ जो आप गेट देख रहे हैं ये अदालतगंज तालाब का मुख्य द्वार है, इसी से आपको एंट्री मिलेगा। तो इसी गेट से हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे उसके लेफ्ट साइड में ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है फूड पॉइंट होगा, यानी खाने पीने की चीज मिलेंगी। चाइनीज जो फास्ट फूड होता है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर आ गए हैं और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी रहेगा और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत हो जाएगा। एक वीडियो क्लिप भी मैं डालूंगा, उसका डेमो रहेगा, जो ये फाइनल बन जाएगा तो उसका डेमो उस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिर ये फाइनल बन जाएगा तो फिर वो कैसा दिखेगा और कैसा इसका खूबसूरती रहेगा। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर ये बन जाएगा तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? उपेंद्र कुमार गुप्ता। उपेंद्र कुमार गुप्ता जी, बताइए कि ये पार्क जो बन रहा है, ये मतलब तालाब बनाया जा रहा है, पहले यहाँ पे बहुत गंदगी रहता था, तो ये बनने के बाद कितना अच्छा लगेगा आपको? मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए भी आएंगे, देखने से भी खूबसूरती अच्छा है। अभी तो काम चल रहा है, देखिए लाइटिंग का काम चल रहा है। क्या आपको ये पता है कि ये कब तक मतलब बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ? ये कब तक, तो मान लीजिए प्रोजेक्ट को हम सकते हैं। अच्छा, आपको मालूम नहीं, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और कब तक इसके चालू होने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पे एंट्री गेट है, उससे मैं राइट की साइड मुड़ा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं बाउंड्री किया हुआ है, यानी यहाँ पे आप खड़े होकर के, मैं इस जगह पे आता हूँ अभी और आपको आ करके दिखलाता हूँ, यहाँ पे एक बाउंड्री किया गया है और इस बाउंड्री पे आप खड़े होकर के महसूस कर सकते हैं यहाँ पे जो लेजर लाइट शो होगा उसको आप देख सकते हैं और यहाँ का जो वातावरण है उसको आप महसूस कर सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत होने वाले हैं आने वाले 10 से 15 दिनों में। केयर टेकर सुभाष जी से बात कर रहा था तो उन्होंने इसका जिक्र किया और बताया कि यहाँ पे आपको बिस्किट, समोसा ये सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करीब आ गया, देखिए यहाँ पे शटर भी लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पीछे जो आप सीन देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पौधा लगाया गया है जिसके कारण से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं यहाँ पे बैक कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो लोकल है उनसे मैं बात करता हूँ कि आखिर यहाँ पे जो तालाब बन जाएगा तो इनको कितना खुशी होगा और पहले यहाँ पे क्या था, तो आप बताइए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, बताइए कि मतलब ये तालाब मतलब
अचानक से बन गए? यहाँ पे कुछ था पहले, कुछ फील्ड था, क्या था यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बहुत काफी गंदगी थी यहाँ पे। अच्छा, चारों तरफ यहाँ पे काफी आपको गंदगी थी, यहाँ पे झोपड़ी उपड़ी थे पहले। अच्छा। समझ, स्लम एरिया था। अच्छा, यहाँ पे स्लम एरिया था, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे गंदगी थी। तो गवर्नमेंट का ऐसा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है ना, ये जो पार्क है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे खूबसूरत तालाब बनाया जा रहा है। तो ये बन जाएगा तो आपको कितना मतलब अच्छा लगेगा अंदर से? काफी खुशी होगी। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चूंकि दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप आ करके महसूस कर सकते हैं कि पहले जो यहाँ पे माहौल था, पहले का यहाँ जो वातावरण था, वो बन गया है यहाँ पे। और अभी काम बाकी है जो आने वाले 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जब फाइनल हो जाएगा तब पहले के तुलना में जब आप यहाँ पे घूमने आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना यहाँ पे चेंजेस हो गया है, है ना। तो थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये जो जगह है सामने की तरफ जहाँ पे मैं वीडियो अभी शूट कर रहा था, वो जगह था इसका मुख्य द्वार, यानी इस तालाब के अंदर आने का मेन द्वार यानी मुख्य रास्ता। और अभी मैं जो हूँ ठीक उसके अपोजिट साइड में आ गया हूँ, तालाब को क्रॉस करते हुए इस तरह घूमते हुए, और यहाँ पे मैं आ पहुँचा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से इस तालाब का पूरा व्यू दिखला रहा हूँ। देखिए तालाब कितना बड़ा है, और जब इसमें लेजर लाइट शो ऑन हो जाएगा यानी कंप्लीट के बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती और देखते बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पीछे जो काम होता हुआ देख रहे हैं, ये लेजर लाइट शो का काम हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर इस तालाब का यही अपडेट था कि ये आने वाले 10 से 15 दिनों में तैयार हो जाएगा, यानी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे लेजर लाइट शो भी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।